तो आप पूछिएगा ना, गाजीपुर के इतने अच्छे अच्छे नौजवान मुझसे पूछेंगे ना, तो 40 सालों तक मुफ्ती के अब्बा क्या कर रहे थे? मैं बताता हूं, कनकर को शंकर मान रहे थे। भाई आप समझ में आ गई वजह कि जब नबी फतेह मक्का करके काबे में दाखिल हुए तो छोटे छोटे बूतों को तोड़ दिया, मगर तीन बड़े बड़े बूत ऊपर बैठे थे। तारीख लिखने वालों ने लिखा, नबी का हाथ नहीं बढ़ा, अली बड़े, नबी मेरे कांधों पे आ जाइए। नबी ने कहा, नहीं अली, तुम मेरे कांधों पे आओ, मेरी तरफ देखना। अली नबी के कांधों पे सवार हुए, नबी ने तीनों को दिखाया और दिखा कर कहा, अली तीनों को मार डालो। क्या कहने, वाह 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 डालो, वाह 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 वाह, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। तीनों का जवाब नहीं भाई, वाह 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 वाह, ला दो मला दो उल्ला, वाह वाह वाह, तोड़ डालो सबको। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, इतने बुजुर्ग बुजुर्ग साहबी मौजूद है, किसी और को भेज देते, फकत अली को क्यों भेजा? का इसलिए कि अगर किसी और को तोड़ने भेजता तो मुशरिक ये कहते उससे कि आज भूतों को तोड़ने आया है, कल तक तेरे बाप दादा इसी को सजदा करते थे। हाय 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 हाय, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कोई दूसरा अगर जाता, वाह 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 वाह, जमा के साथ।